हजार जो पेंशन है सारी समाज पे जाती है। ये कपड़े भी आप देते हो, खाना भी आप देते हो, जूते जुराब पैंट जितनी भी चीजें हैं मैं आप लोगों के ऊपर निर्भर करता हूँ, और मेरी 80,000 से ज्यादा जो पेंशन है वो समाज के ऊपर जा रही है। तो इसलिए आपका ही बाबा साहब का खाता हूँ और बाबा साहब का ही गाता हूँ। दोस्तों मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ राखी रावण को काफी समय मिले, और इसकी वजह से ही मैं यहाँ आ पाया हूँ। पहली बात तो संविधान दिवस की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उससे पहले ये कि जितने लोग भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं मैं सभी को हाथ जोड़ के नमो बुद्धाय बोलता हूँ। हाथ जोड़ के नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे भाई 70 साल से बेशक ज्यादा हूँ लेकिन आवाज तो मेरी 16 साल वाले की है, तो मेरे साथ जरा जोर से बोलने का। राखी रावण तो पहले ही बता देता हूँ 4 बार नारे लगवाएगी, इसलिए पहले जोर से बोल देना। दोस्तों संविधान दिवस के ऊपर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। संविधान संविधान से जुड़े हुए हमारे मसीहा को बहुत बहुत साधुवाद के ऐसा संविधान लिखा। आज मैं पेपर पढ़ रहा था उसमें एक बात थी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत का संविधान ओल्डेस्ट है, यानी बहुत पुराना है। इससे पुराना भारत का जो संविधान है इससे पुराना किसी भी देश का संविधान नहीं है। तो बाबा साहब के लिए जरा जोरदार ताली। दोस्तों संविधान हमारा अमूल्य खजाना है, अमूल्य खजाना है। और जितनी जिसकी बुक्कत, जितनी जिसकी बुद्धिमत्ता, जितना जितनी इंटेलिजेंस, जितनी जिसकी सोच अच्छी वो उतना ही इसका फायदा उठा सकता है। हमारे लोगों के लिए संदेश है। दूसरी बात ये कि 60-70 पीढ़ियां हमारी, पुष्यमित्र सुंग ने जब हमारे राजा भरतरथ मौर्य का गला काटा, बौद्ध धर्म को समाप्त किया, हम लोगों को शिक्षा से, संपत्ति से, शस्त्रों से, सब चीज से विरक्त किया, बहुत जुर्म ढाए, और जो हिंदू धर्म बना और जो मनुस्मृति बनी उसमें हमारे लोगों का क्या हाल हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने बाप दादा से पूछोगे तो आपको बताएंगे। लेकिन उन 60-70 पीढ़ियों में बेशक खाने को ना मिला हो, बेशक लंगोटी लगा के हम जिए हो, बेशक हमारी माँ बहन की इज्जत लुटी हो, बेशक हमारे बच्चों के गर्दन काट के मंदिर में चढ़े हो, बेशक कुछ उनके पास रहा हो ना रहा हो, पर एक चीज बिल्कुल नहीं थी और वो था स्वाभिमान और सम्मान। आप मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, यदि आपसे कोई आदमी ये पूछे कि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम संघर्ष किसके लिए किया तो आप छाती ठोक के कहना कि बाबा साहब का संघर्ष हमारे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना था, और यही हमारे संविधान की देन है। संविधान में लिख दिया, संविधान में मोटे तौर पर यहाँ वकील भी बैठे होंगे, मैं उनसे ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन यदि मैंने उनका प्रियम्बल पढ़ा है संविधान का पहला पेज पलटते हो तो उस उद्देशिका में प्रियम्बल में लिखा हुआ दो मोटे मोटे संविधान के उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखना, यानी टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द नेशन, सबके लिए है। लेकिन जो दूसरा उद्देश्य है वो मात्र हमारे बहुजनों के लिए, हमारे अछूतों के लिए, हमारे गरीबों के लिए, हमारे छोटी कौम के जिन्हें कहते हैं उनके लिए बना, बाबा साहब ने बनाया, और वो है आदमी की प्रतिष्ठा और गरिमा को बरकरार रखना, यानी उनका स्वाभिमान को जिंदा रखने की गारंटी, ऊपर उठाने की गारंटी हमारा संविधान देता है। आपका संविधान देता, बाबा साहब का संविधान देता, हमारे भगवान ने जो संविधान बनाया वो आपको गारंटी देता कि मैं आपके स्वाभिमान और सम्मान को ऊंचा उठाऊंगा, कभी भी गिरने नहीं दूंगा। जो 60-70 पीढ़ियों का हुआ वो कभी रिपीट नहीं होगा यदि आपने संविधान को बचाया तो। शर्त यह है, इसलिए बाबा साहब ने आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए 5 क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी।
जो संसार के किसी भी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लड़ी। और वो पांच क्षेत्र कौन से थे बाबा साहब? उन पांच क्षेत्रों में आपको सशक्त करना चाहते थे, ताकतवर करना चाहते थे, एम्पावर करना चाहते थे, ताकि आपका स्वाभिमान ऊंचे से ऊंचा जाता रहे, कभी नीचे ना जाए। और जो इन पांचों क्षेत्रों में मानेगा रहेगा, उसका स्वाभिमान कभी भी ऊंचा सब ऊंचा ही जाएगा, नीचे नहीं होगा। पहला क्षेत्र है शिक्षा का। जो जितना पढ़ेगा, जितना सीखेगा, जितना ज्ञान प्राप्त करेगा, उसका स्वाभिमान ऊपर उठने की संभावना है। है या नहीं है? है। दूसरा क्षेत्र है सामाजिक। सामाजिक तौर पे संविधान में लिख दिया गया कि सब बराबर होंगे, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का, कहीं का भी रहने वाला हो, सब बराबर होंगे। तीसरा जो हम लोगों को सशक्त बनाने की बात थी, वो है आर्थिक क्षेत्र। बाबा साहब ने कहा हरेक आदमी को हर काम करने की छूट है। देखिए हमारे मसीहा की पहली पत्नी माता, पूज्य माता रमाबाई जी को गोबर ढोना पड़ा, उपले पाथने पड़े, चार चार बच्चे मर गए बिना दवा के, खुद भी 37 साल की उम्र में टीबी की मरीज होकर मर गई, लेकिन कोई दूसरा धंधा कर नहीं पाई, क्योंकि मनुवाद के अंदर, मनुस्मृति के अंदर दूसरा धंधा करने की, दूसरा काम करने की हमें इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्हें गोबर उठाना। कितने दुख की बात है। और चौथा क्षेत्र है राजनीति। राजनीति किसी ने, बाबा साहब ने भी शायद एक बार कहा कि राजनीति सब तालों की चाबी है। मैं एक बात कहता हूं, राजनीति करो लेकिन अपने लोगों के लिए करो। क्योंकि मेरे मुंह पे वो बात आ गई है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संविधान तो नहीं बदलेगा, लिख लो, लेकिन संविधान में जो भी आपके लिए रिजर्वेशन है, खासकर सरकारी नौकरियों के लिए, वो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि सारा प्राइवेट हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारे जो 131 एमपी मिनिस्टर दूसरे लोग वहां पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो लोग सो रहे हैं। कोई भी आवाज नहीं उठाता कि हम तुम्हें ये प्राइवेट नहीं करने देंगे, और प्राइवेट करो तो प्राइवेट में रिजर्वेशन दो। हमारी डिमांड ये होनी चाहिए, यदि रिजर्वेशन नहीं मिला तो आपके बच्चे सड़क पर आएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक चीज और जो आपको ध्यान करनी है, मैं बहुत शॉर्ट करके बोल रहा हूं क्योंकि मैं राखी रावण 14 राज्यों में भारत के 1700 से ज्यादा मीटिंग ले चुके हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है भीम ज्ञान चर्चा और कम से कम खर्चा। मैं 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर गाड़ी चला के जाता हूं, अभी भी जाता हूं, रात को भी जाता हूं, दिन में भी जाता हूं। हम लोगों को खाना नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहब का मिशन और बाबा साहब का प्रचार प्रसार करना हमने ठान लिए कि जब तक हमारे खून का एक एक कतरा हमारे शरीर में है, राखी रावण और मेरा, तब तक हमें भारत के जगह जगह जाके बाबा साहब का जो संकल्प है भारत को बोध में बनाना, हम उसको बनाएंगे, तभी हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, तभी अच्छे संगठन बना सकते हैं, और तभी हम अपने संविधान को बचा सकते हैं। दोस्तों अब आपका क्या करता है वो सुनो। भारत बोध में बने ना बने, आपको बोध बनना है, आपके परिवार को बोध बनना है, आपके रिश्तेदारों को बोध बनना है, इतना तो कर सकते हो, तो यही करो। दूसरी बात ये कि ये जो हमारा संविधान है, ये बहुत बुलंद इमारत है, और जब बुलंद इमारत बनती है तो पिलर्स पे खड़ी होती है, ईंटों पे नहीं खड़ी होती, पिलर्स बनते हैं। कोई भी बिल्डिंग आप देख लीजिए ऊंचे से ऊंची, और हमारा संविधान भी 4 पिलर्स पे खड़ा है। पहला समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। इन 4 पिलर्स में खड़ा है, और ये चारों पिलर्स, ये चारों सिद्धांत बौद्ध धर्म से आए, किसी और धर्म से नहीं आए, किसी और धर्म से नहीं आए। इसलिए यदि बाबा साहब का संविधान बचाना है तो इन चारों पिलर्स को मजबूत बनाना है, और जब चारों पिलर्स को आप मजबूत बनाओगे तो आप पहले खुद बौद्ध बनोगे और हिंदू धर्म को छोड़ोगे। क्योंकि भारत के संविधान में भी जितने भी गीता, रामायण, महाभारत जितने भी ग्रंथ है, सबको बाबा साहब ने 0 घोषित कर दिया। इसलिए इन पे विचार मत करो, और अपना जो है
दो काम मेरे कहे से कर लेना, क्योंकि मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। दो काम, पहली बात तो यह है, जब देश आजाद हुआ था अनुसूचित जाति की जो जनगणना में जो संख्या थी वो 12-12% थी, और 70 के आते आते आप 15% हो गए, और पिछली जनगणना में आते आते आप 17-18% हो गए, और जो टाटा बिरला डालमिया ऐसे लोग हैं वो घटते घटते 13.5% रह गए, यानी मनुवादी 13.5% रह गए, और हम 12% से 17% हो गए। भाई क्यों, हमारे जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा आपकी फैक्ट्री चल रही है, ज्यादा आपके बिजनेस चल रहे हैं, ज्यादा आपका जमींदार है। मैं राखी रावण एक गांव में गए, हमने पूछा इस गांव में सबसे बड़ा जमींदार कौन है, तो एक आदमी मूंछे तान के खड़ा हो गया, मैं हूं रामलाल, कितनी जमीन है कि बस्ती बस्ती 40 बीघे बची है, कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। एक आदमी के हिस्से मैंने कहा कितनी आई, 5 बीघे भी नहीं आई, और यदि हर तेरे 9 बच्चों में 3-3, 4-4 भी हो जाए तो कितनी बचेगी, तेरा जमींदार तो दूसरी पीढ़ी में निकलने वाला है, और यदि आपने यही करते गए तो आपकी जमीन भी घटेगी, आपकी जो कम इनकम होगी शिक्षा भी घटेगी, और आपको आपके बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़ पाएंगे और ना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इसलिए इसको कम करो। जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए संदेश है कि एक बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा लड़का 6 डिस्ट्रिक्ट में DM रहा, IAS ऑफिसर है, और ऐसी जैसे ये बच्चे ने इतना होशियार, और जनरल में वो इसका नंबर आया था 2005 के अंदर, उसके एक बच्चा है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक दिन गलती से कह दिया कि भैया दूसरा हो जाए तो क्या हर जाए, उसने कहा पापा जी मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। उसे मालूम है जब वो बच्चे जाते थे स्कूल तो जो उनकी थाली में बचता था मैं और मेरी बीबी उसे खा के गुजारा करते थे, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। मैंने उसे फिर गाली मारी, मैंने कहा जी बच्चा मर जाए, तो उसने कहा गली मोहल्लों में जगह नहीं है इन कीड़े मकोड़ों की, मैं किसी एक को भी लेके राजा बना सकता हूँ, इतनी हिम्मत मैं रखता हूँ। और कोई भी आदमी यदि बिहार में जाएगा तो दिवेश सहरा का नाम पूछ रहा, अभी मैं राखी रावण गए थे सिवान में, 5 मीटिंग की थी, और 5 मीटिंग में जो हम लोग बोल रहे थे मेरा और राखी रावण का सीना चौड़ा हो गया, उन्होंने कहा यदि DM हो तो दिवेश सहरा जैसा हो, ना तो ना हो, डरता नहीं। और आपने अखबार में पढ़ा होगा इस प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली को मना कर दिया था, मैं नहीं होने दूंगा यार, जब तक जो मैं मांग रहा हूं वो नहीं मिलेगा। तो आदमी हमारे बच्चे, आपका बच्चा है, मेरा क्या बच्चा है, समाज का बच्चा है, और कोई उसे सिंगम ऑफ बिहार लिखता है, दलितों का बिहार लिखता है, कोई उसके ऊपर मैगजीन में उनके फोटो छपते हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत होशियार है, इसलिए नहीं कि वो DM है, ऐसे तो कितने आए कितने गए, बल्कि इसलिए कि उसकी जेब में हर वक्त अस्तीफा रहता है, रेजिग्नेशन रहता है, वो कहता है मैं अपने लोगों के हित को कभी भी डूब नहीं कर सकता। मेरा समय समाप्त हो गया है, और मैं जो यहाँ आयोजक हैं, जितना आयोजक मैंने यहाँ देखे हैं एक ही ड्रेस में बहुत शिष्टाचार के साथ, और जितने अच्छा प्रोग्राम इन्होंने कहा है, मेरी इनको बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपने मेरी बात को सुना, यदि कुछ गलत बात निकल गई हो तो मुझे माफ मत करना, हम माफी ना मांगे करते। सो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।